बिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स वीक नंबर 2। और आज हमारा वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पावर पॉइंट के होम बार को समझा था, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पावर पॉइंट के इंसर्ट बार को समझेंगे। हम यहाँ से एक नई स्लाइड जनरेट करते हैं। हमने सीखा था कि हम न्यू स्लाइड किस तरह बना रहे होंगे। हमारे पास होम पर एक ऑप्शन था न्यू स्लाइड का, हमने यहाँ से एक न्यू स्लाइड जनरेट कर दी, और अब इस न्यू स्लाइड से हम इंसर्ट के ऑप्शन पर आ गए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपको कितने कॉलम्स और कितने रॉ में टेबल चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि आपके पास 5 कॉलम और 2 रॉ में आपको टेबल चाहिए, तो आपको एक टेबल यहाँ पर जनरेट करके दे दिया। और अब आप चाहें तो इस टेबल को मुख्तलिफ कलर्स में यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं ग्रीन कलर में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो आपने यहां से इसे ग्रीन सेलेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, लेट सपोज आप कहते हैं कि आपको यहां पर और भी कॉलम्स की ज़रूरत है, तो लास्ट पर आने के बाद आप जैसे ही टैब प्रेस करते हैं तो आपके पास आप देख रहे हैं कि इस टेबल की लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। ये शॉर्टकट है इस टेबल को इंक्रीज करने के लिए। लेट सपोज आप कहते हैं कि हमें इस टेबल की नीड नहीं थी, आप दोबारा से स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कोई चार्ट ऐड करने को दिया जा सकता है, यानी आप चाहते हैं कि आप पाई चार्ट बना दें, आप चाहते हैं बार चार्ट बना दें, आप चाहते हैं स्कैटर बना दें। आपको ऐसा लगता है अगर कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक्सेल पर बनाई जा रही होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये तमाम की तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर भी बना सकते हैं। आप यहाँ से स्मार्ट ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ से कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इंसर्ट वीडियो पर जाता हूँ अगर, तो मेरे कंप्यूटर में जो वीडियो मौजूद होगी मैं उसे यहाँ पर डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आऊँगा तो मैं डायरेक्टली उस वीडियो की तरफ जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेस्कटॉप की तरफ जाता हूँ जहाँ पर वीडियो सेव होगी, मैं MS ऑफिस कोर्स की तरफ जाता हूँ और लेक्चर नंबर 1 को मैंने यहाँ पर पिक कर लिया। लेक्चर नंबर 1 की जो वीडियो थी उसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। लेक्चर नंबर 1 की वीडियो इस वक्त यहाँ पर आ जाएगी। जब मैं इसको स्लाइड शेयर कर रहा हूँगा और बीच में मुझे वीडियो दिखानी होगी, तो मुझे अलहदा से किसी बार की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्टली यहाँ से जब प्ले करूँगा तो आपके सामने इस वक्त ये वीडियो मौजूद है, जो आपने लेक्चर नंबर 1 में देखी थी। आवाज़ भी सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन ऑनलाइन MS ऑफिस क्लास वीक नंबर 1। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हमने कल ओरिएंटेशन क्लास में पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले तो देखा आपने स्टूडेंट्स, एक वीडियो भी आपके पास यहाँ पर आ सकती है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप एक वीडियो को भी यहाँ से रन कर सकते हैं। हम दोबारा इंसर्ट के ऑप्शंस पर आते हैं। इंसर्ट में भी आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन है और रीयूज स्लाइड का ऑप्शन है, जिसे हमने कल भी पढ़ा था। आप यहां से टेबल ऐड कर सकते हैं। आप किस लेंथ में टेबल चाहते हैं यहां से आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां से मैं इस पर ड्रॉ करता जा रहा हूं, तो साथ साथ वहां पर भी आपको ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहां पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आप कि अपने कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर मौजूद थी और आप चाहते हैं कि वो पावर पॉइंट का हिस्सा बने, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अपने डेस्कटॉप की तरफ जाता हूँ और यहाँ से मैं इस पिक्चर को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये पिक्चर उस वक्त हमने अपलोड की थी जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स थे। अब माशाल्लाह आप लोगों के साथ हमारे 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये तस्वीर भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जितनी तस्वीरें चाहूँ मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फिर पिक्चर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं पिक्चर को मुख्तलिफ स्टाइल में ले सकता हूँ। मैं इस तरह राउंड ले सकता हूँ पिक्चर को, मैं इस तरह बॉक्स में ले सकता हूँ, मैं इस तरह फ्रेम में ले सकता हूँ, मैं इस तरह कर सकता हूँ। आप देखते हैं अक्सर कोलाज बनाया जाता है पिक्चर्स का, वो भी इसी तरह बनाया जा रहा होता है। मुख्तलिफ पिक्चर्स को हम लेके इस तरह की शेप्स में, जिस भी शेप में चाहें, हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलाज आप यहाँ पर बना सकते हैं। हम इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इस पिक्चर में अगर चाहें तो थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैंने ये पिक्चर जो ओरिजिनल आपके सामने बनाई थी, आप उसको देख सक रहे हैं किस कलर में। अब देखिए मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट कर दिया। आप अक्सर देखते हैं कि पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट कर दी जाती है, वो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर रहे होते हैं। लेट सपोज अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने इसे इस तरह कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा जियो टीवी जब 14 अगस्त आने वाला होता है तो उसका लोगो ग्रीन कलर का हो जाता है। वो इसी फीचर्स का इस्तेमाल करके उसको ग्रीन कर रहे होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने इस पर मैं जितने चाहें इस पर फीचर्स डाल सकता हूँ। अब ऐसा लगेगा कि मैंने इसे हाथ से स्केच बनाया हुआ। अगर मैं इसके ओरिजिनल कलर की तरफ चला जाता हूँ और इसको मैंने आर्टिस्टिक कर दिया, तो आप पिक्चर को देख सकते हैं यहाँ पर। देन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है। मैं चाहता हूँ कि
पिक्चर ब्लर नज़र आए तो यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि पिक्चर आपके सामने ब्लर होना भी स्टार्ट हो रही है। तमाम के तमाम फीचर्स आपके पास एमएस पावर पॉइंट में मौजूद हैं। इसके बाद बेटे हम आते हैं शेप्स पर। हम यहाँ से मल्टीपल शेप्स एंटर कर सकते हैं, जिस तरह हम इंसर्ट से ऐड कर सक रहे थे, हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिर अब स्टूडेंट हमारे पास एक ऑप्शन है जूम। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड नंबर 4 पर काम कर रहा हूँ और मुझे स्लाइड नंबर 9 भी इसी स्लाइड पर चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्लाइड जूम किया। स्लाइड जूम पर जाने के बाद मैंने नंबर 9 को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि वो जो स्लाइड थी मेरे पास स्लाइड नंबर 9, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं साथ साथ इसकी अगर कोई चीज़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसके साथ कंपेयर करके भी आपको पढ़ा सकता हूँ, मुझे बार बार नई स्लाइड्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट सपोज हम अब किसी टेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं, ये मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स के लिए। मैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स बनाकर अपलोड कर रहा होता हूँ उन तमाम के लिए बेटे मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अब लेट सपोज हम कहते हैं यहाँ पर अगर हम चाहें तो कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, हम कोई URL ऐड करना चाहते हैं, हम कोई बुक ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लिक किया जाए और क्लिक करने के साथ ही वो ओपन हो जाए, तो उसका लिंक भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम इसमें भी वर्ड की तरह कमेंट्स ऐड कर सकते हैं बेटे, जिस तरह हम वर्ड में कमेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हमने कहा दिस इज़ ओके, तो जैसे ही आपके पास ये डॉक्यूमेंट आएगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा दिस इज़ ओके, यानी आपको इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेट सपोज आप एक नए फ्रेम पर हैं और आप कुछ लिखना चाहते हैं इन दोनों बॉक्सेस के अलावा, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को अपने हिसाब से यहाँ पर नोट करने के बाद इसमें आप लिखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी। आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर उसके बाद जब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर देखिए शेप फॉर्मेट आ रहा है। आप चाहें तो आप इसको मुख्तलिफ कलर्स में भी एक बार फिर ला सकते हैं जो आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था। आप स्लाइड्स में भी बैठे हेडर और फुटर दे सकते हैं। आप चाहें कुछ ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि पूरी स्लाइड पर हो, यूजुअली टाइम और डेट हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड्स पर चल रहा हो। बाज़ात कुछ लोग कहते हैं कि स्लाइड नंबर भी चलना चाहिए, इससे फ़ायदा यह होता है कि आपके पास ऑडियंस को जो सामने देख रही होती है उन्हें पता चलता है कि इस वक्त वो कौन सी स्लाइड पर है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास अब टाइम का फीचर हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमारी स्लाइड्स में टाइम नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको टाइम दिख रहा है, डेट दिख रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर आपको बताया जा रहा है। अब आप यहाँ से अपनी स्लाइड्स में आप चाहते हैं कि जी मेरी पहली स्लाइड है उस पर सर मैं ऐड ना करूं, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर फीचर्स हैं टाइम के भी, आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो आपके पास अब टाइम भी साथ साथ शो होता गया आप अपनी स्लाइड्स में। अच्छा, इसको आपको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें टाइम ठीक हुआ हुआ होगा। आप यहाँ से भी टाइम ऐड कर सकते हैं, या तो आप हेडर से ऐड कर दें या फिर आप इस बटन से भी डायरेक्टली टाइम को ऐड कर सकते हैं। इक्वेशंस आप बैठे ऐड कर सकते हैं, जो इक्वेशन चाहें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें आपके पास रेडिकल्स में, इंटीग्रल्स में, लिमिट्स में, मैट्रिक्स में, मैथ्स की अगर कोई प्रेजेंटेशन आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इन तमाम को बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं इंसर्ट में वापस आ जाएं तो हम सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमें कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना होता है, वो सिंबल्स हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गैमा या इसके अलावा और कोई भी सिंबल है जो हमें वर्ड्स में नहीं मिल रहा होता, हम यहाँ से उसे क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं तो वो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का यहाँ पार्ट बन जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। हम यहाँ से वीडियो ऐड कर सकते हैं, हम वीडियो डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एक नई स्लाइड की तरफ जाता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ से भी वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो और ऑडियो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने का। आप पावर पॉइंट से अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं अपने चैनल के लिए उसे अपलोड करने के लिए, तो इस फीचर पर जैसे ही आप जाएंगे आप इसको क्लिक कर देंगे या आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लिक कर दिया। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि कितने एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने एरिया सेलेक्ट कर दिया कि मैं इतने हिस्से को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, ये आपका एरिया सेलेक्ट हो गया। और एरिया सेलेक्ट होने के बाद आपने कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इतना हिस्सा है स्लाइड का सर जिसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया,
जैसे ही मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया तो जितनी भी एक्टिविटीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में हो रही हैं वो तमाम की तमाम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड होती जा रही है। अब ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है जिससे आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ तो मैं कहूँगा इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें एंगल ऑफ रिपोज लिखा हुआ है। लेट सपोज मैं ऐसे स्टॉप कर देता हूँ उसे और यहाँ पर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर दिया। अब ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास आ गई है। मैं चाहूँ तो इस रिकॉर्डिंग को अब देखिएगा प्ले कर देता हूँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड होती जा रही है। अब ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है जिससे आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ तो मैं कहूँगा इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें एंगल ऑफ रिपोज लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्क्रीन रिकॉर्ड होकर आपके सामने इस वक्त थी और ये आवाज़ भी इसी स्क्रीन की थी। मुख्तलिफ आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक को पढ़ाना चाहता हूँ या किसी चीज़ पर लेक्चर देना चाहता हूँ ऑनलाइन, तो आपको बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये फीचर मौजूद है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको क्लियर थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट यानी डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे होंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि हमारा डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन रहे। जब हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हों तो उस वक्त कोई परेशानी ना पेश आए आपको। जैसे ही हम ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कम्प्लीट करेंगे इसके बाद मैं आपको जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नोट्स प्रोवाइड किए थे बिल्कुल वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप में से कोई इस ग्रुप का पार्ट नहीं है इस वीडियो लेक्चर को सुन रहा है तो फ्री रजिस्ट्रेशन करवाइए 0333224301 पर अपने नाम, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के साथ और इस चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।